एक बार एक जंगल में एक तालाब में एक मगरमच्छ का परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा मगरमच्छ भी था जो बहुत शरारती था। वह सारा दिन तालाब के अंदर इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह पानी में मजे से तैर रहा था, अचानक उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई दिया। वह कछुए के पास पहुंचकर उसके साथ खेलने लगा। कछुआ बहुत छोटा था, वह भी छोटे से मगरमच्छ के साथ खेलने लगता है। जो कछुए को मगरमच्छ की दोस्ती बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों रोजाना इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और दोनों की उम्र बढ़ने लगी। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही मगरमच्छ का आकार तो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कछुआ अभी भी आकार में छोटा ही था। एक दिन मगरमच्छ कछुए से कहता है, हम इतने दिनों से अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं तुम एक बार मेरे परिवार के बाकी सदस्यों से मिलो, ताकि तुम्हारे और भी दोस्त बने। कछुआ मगरमच्छ की बात से सहमत होता है और वह उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। कुछ दूर पहुंचते ही मगरमच्छ कछुए के सामने रुककर हंसने लगता है। अचानक उसे अजीब तरह से हंसता देख कछुआ घबरा जाता है। तुरंत मगरमच्छ से हंसने की वजह पूछता है। तभी वह कहता है कि आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ रहा है, और तुम मुझे माफ करना, तुमसे मेरी दोस्ती सच्ची है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मगरमच्छ की बात सुनते ही कछुआ डर से सहम जाता है, लेकिन उसे पता था कि मगरमच्छ का आकार उससे दोगुना है और वह उसे बच कर नहीं भाग सकता। लेकिन फिर भी सच्चाई जानने के बाद वह जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे कूद सकता था। कछुआ चालाकी दिखाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे अपने जबड़े में भर लेता है। कछुओं की मजबूत पीठ कुदरत की देन है और उसी मजबूत ढाल की वजह से मगरमच्छ उसे काट पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। कछुआ बार बार उसके मुंह से बाहर निकल जाता था और मगरमच्छ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कई नाकाम कोशिशें करने के बाद मगरमच्छ कछुए के सामने हार मान लेता है और असफल होकर उल्टे पांव भाग जाता है। मगरमच्छ के जाते ही कछुए की जान में जान आ जाती है। मगरमच्छ के कपट के बारे में जानकर पहली बार उसे अजनबी लोगों की धोखेबाजी का पता चला था, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि मगरमच्छ के हमले की वजह से उसे अपनी पीठ के मजबूत कवच का एहसास हो चुका था। इस घटना ने कछुए को जीवन में लोगों की पहचान करना सिखा दिया था। इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।